नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल। 80,000 से ज्यादा GDS जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी अपडेट आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आपको जो सुनाते हैं GDS CEO SS महादेवी का क्या कहना है, स्ट्राइक को स्थगित क्यों कराया गया और क्या वजह है, इंटरनल मैटर क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, पूरी बातें आपको सुनाते हैं। आइए चैनल पर दिखाना चाहते हैं। नहीं भाई, वापस नहीं है, आप गलत है। जी जी, हड़ताल स्थगित किया गया, डेफर किया है। ओके, अभी हम लोग के साथ तो लगातार बैठक हुआ, कल भी हुआ जी। और सरकार भी एडामेंट है, कुछ अग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं था। ओके, परंतु उनको पहले कॉल्ड अप लेटर, कॉल्ड अप करो उनको सामने बोला था, उनको सामने हम लोग नहीं करेगा जी। हम लोग डेफर किया है। हाँ। हमारा कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला, इसका नहीं मिला, इसका हड़ताल संघर्ष जारी रहेगा जी। अभी फिलहाल सभी GDS का हम लोगों निवेदन कर रहा है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, बेसिकली थोड़ा टाइम दे रहे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को टाइम चाहिए, मांगा था। हाँ। इसके लिए हम लोग कुछ समय दिया है। ठीक है, कुछ ऑर्डर सो आ रहा है, ऑर्डर सो आएगा। और सर जो, तो दोस्तों जैसा पिछले वीडियो में हमने अंदाजे पे बता दिया था, यही वह वजह, डिपार्टमेंट को जो है वक्त चाहिए, वो एक दो रातों में जो है इतनी सारी मांगे नहीं पूरी कर पा रही है। और डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बीच में GDS रिपोर्ट के जो मांगे हैं उसको लागू करते करते जो बीच में समय है, इसमें लॉस हो जा रहा है डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा। और इस पर जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये कहा गया, इस पर यूनियन ने उन्हों स्ट्राइक को स्थगित कर दिया क्योंकि ज़्यादा लॉस हो रहा था इस बीच में और कुछ समय लग जाएगा। तो ये है SS महादेविया का कहना। तो दोस्तों इस पर आपका क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।